अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 3 लेक्चर है। आज हमारा लेक्चर में हम पढ़ेंगे आज पारा नंबर 4 की आयत नंबर 9 से 102 तक। ओके स्टूडेंट्स, पारा नंबर 4 अपना ओपन करें। लेक्चर फ्रंट में आज हमें पढ़ना है आयत नंबर, मैंने इधर लिख दी है 115। वमा यफअलू, ठीक है, यहाँ पर अलिफ मदा है क्योंकि जबर के बाद है अलिफ। वमा यफअलू, आयन की आवाज़ आपने सही निकाली है, ठीक है। आयन जो है हलक के दरमियान के हिस्से से अदा होता है। वमा यफअलू, यहाँ पर वाव मद्दा हो रहा है, वाव के इससे पहले अगर पेश आ जाए तो वहाँ पर उसको हम एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। यफअलू मिन खैरिन फलई, यहाँ पर इदगाम हो रहा है, फलई युग फरू, फलई युग फरू। इदगाम किसे कहते हैं कि दो हरफों को मिलाकर पढ़ना इदगाम कहते हैं, ठीक है, एक हरफ को दूसरे हरफ में मिला देना इदगाम कहलाता है। खैरिन खैरिन फलई युग फरू, फलई युग फरू। अब हमने इसमें क्या किया, लाम को हमने या के साथ मिला दिया है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इदगाम हो रहा है। खैरिन फलई युग फरू। वल्लाहु, अब यहाँ पर क्या है, अल्लाह का नाम मोटा मोटा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले है ज़बर, अल्लाह के नाम से पहले ज़बर और पेश आ जाए तो अल्लाह का नाम हमेशा क्या पढ़ा जाएगा, मोटा पढ़ा जाएगा, ठीक है। वल्लाहु वल्लाहु अलीमुम, अब यहाँ पर याए मद्दा हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर थ्री क्लास याए मद्दा हो रहा है, या से पहले अगर जेर हो तो वहाँ पर हम उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, ठीक है। अलीमुम, अब इधर देखिए छोटा सा मीम नज़र आ रहा है आपको, ये मीम हम इसको, यहाँ पर तनवीर है तो हम इसको इसके साथ मीम के साथ मिला देंगे। अलीमुम अलीमुन नहीं पढ़ेंगे, इधर पढ़ेंगे हम अलीमुम अलीमुम। इधर क्या हो रहा है, इकलाब हो रहा है, क्या हो रहा है, इकलाब। इकलाब किसे कहते हैं, कलम यानी के, इकलाब का बता देती हूँ, इसका मायने है बदलना, नून साकिन या तनवीन को मीम से बदल कर पढ़ना, नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल कर गुना के साथ पढ़ते हैं। अलामत के तौर पर वहाँ छोटी सी मीम लिख दी जाती है, जैसे ये है अलीमुम, ठीक है, अली मुम बिल मुत्तकीन, बिल मुत्तकीन, यहाँ पर याए मद्दा हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, याए मद्दा, ज़ेर की बात क्या है, या, और इधर वक़्फ़ इधर भी हो रहा है इस आयत में और इधर भी है। वक़्फ़ की मायने क्या है, ठहरना, सांस और आवाज़ दोनों को बंद करके हरफ को साकिन कर देना, और यहाँ पर भी वक़्फ़ हो रहा है। अगर यहाँ पर यह अलामत ना होती तो हम इसको पढ़ लेते बिल मुत्तकीना, लेकिन इधर वक़्फ़ की अलामत है तो हमने इसे इधर क्या करना है, लास्ट वाला जो मुतहरिक हरफ होता है उसको हम क्या कर देते हैं, साकिन कर देते हैं, ठीक है। बिल मुत्तकीन, बिल मुत्तकीन, ज़बर ज़ेर पेश हरकात का थ्री क्लास आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसको आपने तलफ़ुज़ के साथ याद करना है। आपकी डायरी है पारा नंबर 4 आयत नंबर 109 से 120 तक आपने तलफ़ुज़ के साथ याद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।